लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और आज कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आज पूरे दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए महेंद्र प्रताप सबके बारह जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। समर्थकों को उनके साथ अंदर जाने की अनुमति दी गई, जिसमें कांग्रेस नेता लगन सिंगला शामिल थे, विधायक नीरज शर्मा शामिल थे, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहे और पूरा फरीदाबाद जो है कांग्रेस के झंडों से कांग्रेस के रंग में रंगती हुई कांग्रेस जो है वो नजर आई है। साथ ही साथ जब जनसभा का आयोजन किया गया, इसमें तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ब्लॉक स्तर पर तमाम नेता कांग्रेस के और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ साथ विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया। आप मेरे आसपास जो भीड़ देख रहे हैं, कई घंटों से ये भीड़ ऐसे ही कुर्सियों पर जमी हुई है। कहीं महेंद्र प्रसाद का कटआउट लेकर लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के झंडे को लेकर कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के ये लोग नजर आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक है, विशेष रूप से युवाओं में एक अलग जोश देखने को मिला। देखिए वैसे तो जो है विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप ने अपने दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन किया है, मंच की झलक आप देखेंगे। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, तांता लगा हुआ है, अनवरत लोग कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनका नामांकन अभी बाकी है, लेकिन जरूर आज जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने शक्ति प्रदर्शन किया है, हजारों की संख्या में लोग उनको समर्थन स्नेह और सहयोग देने पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, तो सुबुगाहट जरूर जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी पहुंचे और चौधरी महेंद्र प्रताप के पक्ष में वोट की उन्होंने अपील की, और तमाम लोग आप देखेंगे यहाँ पर, हर समुदाय के 36 बरादरी के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये चुनाव इस बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का काफी अहम माना जा रहा है। लोगों में जोश इस कदर है कि सेल्फी लेने वालों का तांता लगा हुआ है, वही सप्ती दोपहरी में भी लोग अपने प्रत्याशी का हौसला बढ़ाने के लिए चौधरी महेंद्र प्रताप को, जिन्हें बाबूजी के नाम से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र ही पूरे हरियाणा में कांग्रेसी जो है वो संबोधित करते हैं, और जज्बा का दामन छोड़ कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करने वाले चौधरी हर्ष कुमार भी यहाँ पर मौजूद है। हथीन क्षेत्र की बात करें, अच्छा रसूख रखते हैं हर्ष कुमार, और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र आती है, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला और अलवर, बदल, हथीन और बड़कल, और तमाम विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के दिग्गज है यहाँ पर मौजूद है। इनमें वो लोग भी मौजूद है जो आगामी विधानसभा चुनावों में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव में टूटे हैं और नेता है, जैसे कि शारदा राठौर जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही लाखों अपने पक्ष में करने का वादा रखती है। तो निश्चित तौर पर आज का ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन है खास माना जा रहा है। हालांकि देखिए परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दल बल के साथ कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप के समर्थन में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग उमड़े हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी 4 जून को जो परिणाम है वो चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से सूर्य शर्मा, पंजाब के स्टूडियो।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।